फ्रेंड्स, अब अपन स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट साइकिल की, क्रेब्स साइकिल की, क्योंकि इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज का जो एक अणु होता है उससे किस प्रकार से दो पाइरिमिक अम्ल के अणुओं का फॉर्मेशन होता है। उसकी पूरी की पूरी स्टडी करने के बाद में अपन ने क्या किया था, जो अपने पास प्रोडक्ट बना था पाइरिमिक अम्ल का, उसका अपन ने वाईवी ऑक्सीकरण किया था, और उसके वाईवी ऑक्सीकरण से अपने को कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था, उसके वाईवी ऑक्सीकरण से अपने को एसिटाइल कोएंजाइम ए जो था वो अपना प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था। अब ये प्रोडक्ट हमने ये भी डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस एंड जो क्रेब्स साइकिल होती है उन दोनों साइकिल्स के बीच में किसका वर्क करता है, योजक का कार्य करता है। ओके, तो अब अपन आगे देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होती है उसमें किस प्रकार से अपना रोल प्ले, सॉरी क्रेब्स साइकिल जो होती है उसमें किस प्रकार से एसिटाइल कोएंजाइम ए अपना रोल प्ले करता है, कैसे मतलब अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कौन कौन से एंजाइम्स में भाग लेंगे। अगर बात करें क्रेब्स साइकिल की तो ब्रिटिश के जैव रसायन शास्त्री थे एच ए क्रेब्स, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और उन्हीं के सम्मान में अपन इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। आगे अगर अपन देखें इसी क्रेब्स साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, सीट्रिक अम्ल चक्र भी बोलते हैं। सीट्रिक अम्ल चक्र बोलने का इसका रीजन क्या है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है सीट्रिक अम्ल। ओके, अब इसी साइकिल को अपन एक नाम से और जानते हैं, त्री कार्बोक्सिलिक अम्ल TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो अपन किस लिए बोलते हैं इसको, क्योंकि जो सीट्रिक अम्ल अपना जो सीट्रिक अम्ल होता है उसमें तीन अम्लीय ग्रुप होने के कारण इसको अपन TCA बोलते हैं। ओके, और जो ये अपना ब्रिटिश का जैव रसायन शास्त्री था जिसने 1937 में इस साइकिल की डिस्कवरी की थी, इसके सम्मान में उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे अपन देखते हैं अपनी पूरी की पूरी साइकिल किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं, कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इन सारी की सारी चीजों की अपन स्टडी करेंगे। अब अगर अपनी साइकिल को समझने से पहले अपन देखते हैं कि अपनी ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्लाइकोलाइसिस जो था ग्लाइकोलाइसिस से किसका फॉर्मेशन हुआ था, पाइरुविक अम्ल का, पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं का फॉर्मेशन था। फिर इस पाइरुविक अम्ल से किसका फॉर्मेशन हुआ, पाइरुविक अम्ल से सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ। अपने पास ये मध्यवर्ती उत्पाद बना था, अपने डिस्कस किया था दोनों साइकिल्स के बीच में योजक का कार्य करता है, प्लस अपने पास क्या था, कोएंजाइम ए था, जो NAD था वो कन्वर्ट होता किसमें, NADH2, प्लस अपने पास मैग्नीशियम आयन थे, तो अपने पास किसका फॉर्मेशन हो गया था, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो अपना मध्यवर्ती उत्पाद था। यहां तक अपने पाइरुविक अम्ल का जब वाईवी ऑक्सीकरण पढ़ा था उसमें अपने पढ़ गया था किस प्रकार से अपने पास एसिटाइल कोएंजाइम ए आया था, यहां पर एक एंजाइम भी भाग लिया था, कौन सा एंजाइम था वो, पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है ये दो कार्बन युक्त होता है, ठीक है, ये दो कार्बन युक्त यौगिक है। अब ये क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल का ये जो एक्सेप्टर इसको ग्रहण करने वाला उसके साथ में जुड़ेगा वो कौन सा होता है, ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल OAA, उसके साथ में जुड़कर जो ये कितने कार्बन यौगिक, चार कार्बन युक्त यौगिक होता है, चार कार्बन युक्त होता है ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल। अपने C4 साइकिल में भी डिस्कस किया था, क्योंकि C4 साइकिल में ये अपना क्या था, C4 साइकिल में अपना प्रथम स्थायी उत्पाद था। अब ये क्या करेगा, ये उस चार कार्बन युक्त यौगिक ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल के साथ जुड़कर छह कार्बन युक्त यौगिक बनाएगा, जो क्रेब्स साइकिल का प्रथम स्थायी उत्पाद है वो कौन सा है, सीट्रिक अम्ल। अपन इसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, वो छह कार्बन युक्त कैसे हुआ, दो कार्बन तो इसके हो गए एसिटाइल कोएंजाइम ए के, और चार कार्बन इसके हो गए, तो प्रोडक्ट कितने कार्बन युक्त हो जाएगा, छह कार्बन युक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या है, ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल है, जो चार कार्बन युक्त होता है ये इसके साथ जुड़ेगा, और फिर किसका फॉर्मेशन होगा, छह कार्बन युक्त सीट्रिक अम्ल का। सीट्रिक अम्ल का अपने पास फॉर्मेशन हो गया, जो कितने कार्बन युक्त है, छह कार्बन युक्त। ओके, प्लस अपने पास क्या होगा, H2 यहाँ से बाहर निकलेगा, एंजाइम कौन सा भाग लेगा, सघनकारी एंजाइम आएगा यहाँ पर, सीट्रेट सिंथेज एंजाइम, सीट्रेट सिंथेज एंजाइम। ओके, अब सीट्रिक अम्ल अपने पास ये प्रोडक्ट आ गया, सीट्रिक अम्ल से किसका फॉर्मेशन,
होगा? सेंट्रिक अंग से अपने पास सिस एकोमिटिक अंग का फॉर्मेशन होगा। सिस एकोमिटिक अंग, ठीक है। और एंजाइम कौन सा भाग लेगा? एकोनिटेज। और ये सिस एकोनिटिक अंग कितने कार्बन युक्त है? छह कार्बन युक्त यौगिक है। सिस एकोनिटिक अंग जो है ये अपना छह कार्बन युक्त यौगिक है। और फिर सिस एकोनिटिक अंग से किसका फॉर्मेशन होगा? आइसोसेंट्रिक अंग का। आइसोसेंट्रिक अंग का फॉर्मेशन होगा। जो होगा वो प्रोडक्टिव उसमें बनेगा। यहाँ पे भी एकोनिटेज एंजाइम भाग लेगा प्लस फेरस आयन की उपस्थिति होगी। एंटर क्या होगा? H2O मॉलिक्यूल और आइसोसिट्रिक अंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइसोसिट्रिक अंग से किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? ऑक्सैलोसैक्सेनिक अंग। ये भी छह कार्बन युक्त होगा, ये भी अपना छह कार्बन युक्त यौगिक है। ये प्रोडक्ट बन गया अपना किस एंजाइम की उपस्थिति में बनेगा? आइसोसिट्रिक। आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपना प्रोडक्ट बनेगा। और NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH2 में, ओके। और वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा। अब जो ऑक्सैलोसैक्सेनिक अंग है ये किसका फॉर्मेशन करेगा? यहां से CO2 जो होगी वो बाहर निकलेगी। एक कार्बन यहां से बाहर निकलेगा। अल्फा कीटो ग्लूटोरिक अंग का फॉर्मेशन होगा। और ये कितने कार्बन युक्त होगा? ये 5 कार्बन युक्त होगा, ओके। ये जो प्रोडक्ट होगा ये 5 कार्बन युक्त यौगिक होगा। यहाँ से एक कार्बन जो है CO2 के रूप में बाहर निकल चुका है। अब आगे यहाँ पे कौन से एंजाइम की उपस्थिति होगी? डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति होगी। साथ में क्या होगा? मैग्नीज आयन होगा। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है इसे सक्सीनल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? यहाँ पे अपना को एंजाइम ए जो है ये इंटर करेगा और प्लस अपने पास क्या इंटर होगा? यहाँ पे NAD जो है NAD प्लस का अपचेन किस में होगा? NADH2 में इसका अपचेन हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास एंजाइम कौन सा होगा? एंजाइम होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रेशनेज एंजाइम। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज, ये अपने पास यहाँ पे एंजाइम होगा। को एंजाइम ए इंटर करेगा और यहां से एक और बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? CO2। CO2 यहाँ से बाहर निकल रहा है। यहाँ पे 6 कार्बन से एक CO2 बाहर निकला, एक कार्बन बाहर निकल गया। तो 5 कार्बन युक्त अपने पास कंपाउंड है तो यहाँ से एक और CO2 बाहर निकल गया। तो यहाँ पे अपने पास ये 4 कार्बन युक्त कंपाउंड होगा सक्सेनल को एंजाइम ए। तो आगे हम देखेंगे सक्सेनल को एंजाइम ए किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। 4 कार्बन युक्त एक यौगिक होता है सक्सेनिक अम्ल। जो 4 कार्बन युक्त होता है इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और अपने पास एंजाइम होगा सक्सेनिक थायोकाइनेज। और क्या यहाँ पे को एंजाइम एंटर कर रहा है? यहाँ से को एंजाइम बाहर निकलेगा और क्या होगा? GDP जो है वो किसमें कन्वर्ट होगी? GTP में कन्वर्ट होगी, ठीक है। GTP में कन्वर्ट होगी। मैं आपको बता देती हूँ जो GTP होती है ये GTP ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडेनिन ट्राइफॉस्फेट की तरह होती है। एक GTP जो होती है वो 1 ATP के बराबर होती है। अब सक्सेनिक अंग से किसका फॉर्मेशन होगा? सक्सेनिक अंग से फ्यूमेरिक अंग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे फ्यूमेरिक अंग का निर्माण होगा। और कौन सा एंजाइम भाग लेगा? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा अपने पास? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। और ये
आयन होता है वो रिमूव होता है, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो रिमूव होता है, वही तो H2SO4 के साथ अटैच होता है। अब फ्यूमेरिक अम्ल से किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? मेलिक अम्ल का। और ये कितने कार्बन युक्त होता है? 4 कार्बन युक्त। फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में एंट्री किसकी हो रही है? H2O की। अब अपने पास जो ये 4 कार्बन युक्त मेलिक अम्ल है ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल OAA है उसका वापस से फॉर्मेशन कर देगा। यहां पर अपना एंजाइम भाग लेगा मेलिक डिहाइड्रोजिनेज। और क्या होगा? NAD जो है वो किस में अपचयित हो रहा है? NADH2। ओके, और H2 जो है वो अपना यहां से निकल रहा है क्योंकि यहां पे अपचयित हो रहा है, तो ये इससे अपचयित होगा तो ये अपने को हाइड्रोजन आयन की जरूरत पड़ेगी। ये हो गई अपनी पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल, जहां पर अपने को वापिस से क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिक अम्ल। इसमें इतने ये मध्यवर्ती उत्पाद होते हैं और इतने एंजाइम्स की अपने को रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या होता है कि एक पाइरूविक अम्ल का जब अपन क्या करते हैं, एक पाइरूविक अम्ल क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है तब कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? अगर अपन काउंट करें टोटल के टोटल एटीपी, तो यहां अपने पास जैसा कि मैं पहले ही वीडियो कर चुकी हूं, NADH2 से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? 3 एटीपी का। NADH2 से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? 2 एटीपी का। और GTP से कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होगा? 1 एटीपी का। तो अगर टोटल एटीपी अपनी एनर्जी काउंट करें तो कितनी होगी? यहां पे यहां से NADH2 से अपने पास 3 एटीपी हो गए। NADH2 से अपने पास कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 3 एटीपी का। अब आगे अगर हम देखें तो यहां से भी अपने पास कितनी एटीपी? 3 एटीपी। अब GTP से अपने पास कितना एटीपी? 1 एटीपी। NADH2 से कितने? 2। और NADH2 से 3। ओके, अब अगर ये टोटल की टोटल एटीपी अगर काउंट करते हैं तो कितनी एटीपी होगी अपने पास? 3 प्लस 3 6, 6 और 7 8 9 और प्लस 3 ये अपने पास टोटल हो गई 12 एटीपी। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल का सिर्फ एक राउंड है। पाइरूविक अम्ल के एक जो विघटन है उससे अपने एक जो क्रेब्स साइकिल है उससे अपने पास 12 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, जबकि हम जानते हैं अपने पास पाइरूविक अम्ल 2 अणु है। तो एक अणु का जब क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है तब 12 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो ये दूसरा अणु भी भाग लेगा तब कितने एटीपी हो गए? 12 एटीपी। तो टोटल 2 पाइरूविक अणु जब पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल में भाग लेंगे तो 24 एटीपी जो है उनका फॉर्मेशन होगा। टोटल कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होगा? 24 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। मैं एक बार इस साइकिल के बारे में आपको वापस से अगर क्लियर करूं ये कॉन्सेप्ट, तो अपने पास पाइरूविक अम्ल है जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से अपने को मिला था। ये पाइरूविक अम्ल जो होता है YPO ऑक्सीकरण के द्वारा अपने पास ये एंजाइम आ जाता है एसिटाइल-CoA-एंजाइम। ध्यान रखने वाली बात है इस 24 एटीपी के अंदर अपन ने ये 3 एटीपी काउंट नहीं किए हैं, अपन ने सिर्फ इस साइकिल के एटीपी काउंट किए हैं। ओके, जो ये पाइरूविक अम्ल का YPO ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर भी 3 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि NADH2 से 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये अपन ने काउंट नहीं किया है। अब एसिटाइल-CoA-एंजाइम ये अपना मध्यवर्ती उत्पाद है, ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब ये क्या होता है? ये 2 कार्बन युक्त होता है। अब ये 2 कार्बन युक्त ये जो एक्सेप्टर का कार्य करता है, ऑक्सीजन और एसिटिक अम्ल क्रेब्स साइकिल में एक्सेप्टर का वर्क करता है, ये क्या करेगा? इसके साथ अटैच हो जाएगा सीड्रेट सिंथेज एंजाइम, जो एक सघनकारी एंजाइम होता है। इसकी उपस्थिति में किसका फॉर्मेशन करेगा? सीट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन करेगा। अब जो ये सीट्रिक अम्ल होगा अपना, ये एकोनिडेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक अम्ल का फॉर्मेशन करेगा। और ये सिस एकोनिटिक अम्ल जो होता है ये वापिस एकोनिडेज एंजाइम की उपस्थिति में फेरस आयन के अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट है, H2 मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है और क्या बनेगा? आइसोसिट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा। अब आइसोसिट्रिक अम्ल जो होगा वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीलोसक्सेनिक अम्ल का फॉर्मेशन करेगा, और NAD जो है उसका अपचयन NADH में हो जाएगा, NADH2 में हो जाएगा, जिससे अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा? 3 ATP मॉलिक्यूल का। अब ये जो अपने पास ऑक्सीलोसक्सेनिक अम्ल होता है 6 कार्बन युक्त की होगी, यहाँ से एक कार्बन जो होता है वो रिमूव हो जाता है CO2 के रूप में, CO2 यहाँ से बाहर निकली है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति है,
अल्फा पीटोग्लुटेरिक अम्ल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये 6 कार्बन युक्त था लेकिन यहाँ से 1 कार्बन रिमूव हो गया तो 5 कार्बन युक्त अपने पास प्रोडक्ट आ गया। अल्फा पीटोग्लुटेरिक अम्ल जो होता है वो अल्फा पीटोग्लुटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सेशन कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करता है जो 4 कार्बन युक्त प्रोडक्ट होता है। 4 कार्बन युक्त प्रोडक्ट होता है क्योंकि यहाँ से भी 1 कार्बन जो था वो CO2 के रूप में रिमूव हो गया और यहाँ पे एंजाइम के साथ साथ कोएंजाइम A भी भाग ले रहा है, ठीक है, और NAD जो है उसका अपचयन हो रहा है NADH2 में। अब ये प्रोडक्ट जो था अपने पास सक्सेशन कोएंजाइम A, ये सक्सेशन कोएंजाइम जो है सक्सेशन थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सेशनिक अम्ल 4 कार्बन युक्त प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। GTP जो होती है वो GTP में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये सक्सेशनिक अम्ल जो होता है वो सक्सेशनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है जो अपना 4 कार्बन युक्त प्रोडक्ट होता है। FAD+ जो है उसका अपचयन NADH2 में हो जाता है जिससे 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब फ्यूमेरिक अम्ल जो होता है वो फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में 4 कार्बन युक्त एक अलग प्रोडक्ट मैलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैलिक अम्ल जो होता है वो मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सेलोएसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। NAD जो है उसका अपचयन NADH2 में हो जाता है। वापस से साइकिल UQ स्टार्ट हो जाती है एसिटाइल को एंजाइम में और फिर ये पूरी की पूरी साइकिल वापिस से शुरू होती है। ये हो रहा था पाइरूविक अम्ल के एक अणु से कैसे क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है। जब पाइरूविक अम्ल के एक अणु ने इस साइकिल में भाग लिया तब हमारे पास 12 ATP का फॉर्मेशन हुआ। जब ये दोनों अणु भाग लेते तब अपने पास 24 ATP का फॉर्मेशन होगा। और अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन यही तो पढ़ रहे हैं किस प्रकार से जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उन जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटन होता है और जो कैसे एनर्जी मुक्त होती है, एनर्जी कैसे मुक्त होती है वही तो देख रहे हैं अपन। तो ये तो थी अपनी पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल। अपन देखें कि इस क्रेब्स साइकिल का महत्व क्या होता है। तो क्रेब्स साइकिल का क्या महत्व होगा, क्रेब्स साइकिल से अपने को ATP जो एनर्जी मिल रही है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और इस ATP से क्या मिलती है, इस ATP से ही तो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो विभिन्न कार्य करने के लिए अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका एक महत्व होगा। इसका दूसरा महत्व क्या होता है, ये जो अपन ने पूरी साइकिल पढ़ी थी इसमें कई मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं। इन मध्यवर्ती यौगिकों का उपयोग किस में कर सकते हैं, इन मध्यवर्ती यौगिकों का उपयोग जैव यौगिकों के संश्लेषण में होता है। मध्यवर्ती जो ये यौगिक बनते हैं इनका उपयोग जैव यौगिकों के संश्लेषण में होता है। कैसे होता है, जैसे अपन देखें मध्यवर्ती यौगिकों, ये जैसे सक्सेशनल कोएंजाइम A है, ये सक्सेशनल कोएंजाइम इसका यूज कहाँ पे होता है, ये सक्सेशनल कोएंजाइम जो होता है ये परणहरित के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक अणु के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार जैसे अल्फा पीटोग्लुटेरिक अम्ल हो गए, ये जितने भी अम्ल है इनके द्वारा एमिनो अम्लों का संश्लेषण होता है। तो ये मध्यवर्ती यौगिक जो होते हैं ये भी जो जैव रासायनिक यौगिक उनके संश्लेषण में अपना रोल प्ले करते हैं। ये तो इसका महत्व हो गया। अब पूरे के पूरे इस क्रेब्स साइकिल का ग्लाइकोलाइसिस का सार अगर आपको निकाले तो अपने पास टोटल कितनी ATP बनती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अपने टोटल अपने पास कितनी ATP थी। अपने पास 8 ATP थी, हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने बताया था जो 10 ATP का फॉर्मेशन हुआ था, 10 ATP में से माइनस 2 ATP क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो गई थी वो ATP, तो अपने पास 8 ATP बची थी, ठीक है। 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस से आगे ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो पाइरूविक अम्ल होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। इस पाइरूविक अम्ल का ऑक्सीकरण हुआ और इससे जब क्या होता है, ये NAD जो है ये NADH2 में कन्वर्ट होता है, ओके। तो यहाँ से कितने ATP, एक जो पाइरूविक अम्ल का कन्वर्ट होगा तो 3 ATP और जब दो पाइरूविक अम्ल जो होंगे ऐसे टाइप को एंजाइम में कन्वर्ट होंगे तो कितने ATP हो गए, 6 ATP हो गए, 6 ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये अपने पास ग्लाइकोलाइसिस की है और ये पाइरूविक अम्ल से, ठीक है। अब आगे अपने क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में टोटल अपने पास कितनी है, 24 ATP का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब ये टोटल कितनी हो गई, 38 हो गई अपने पास, क्योंकि 6 और 4 10 और 8 हो गए अपने पास 18 और यहाँ पे 2+1 38 टोटल की टोटल अपने पास कितनी ATP का फॉर्मेशन हुआ है, 38 ATP का फॉर्मेशन हुआ है अपने पास। 38 ATP जो है वो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, पाइरूविक अम्ल का ऑक्सीकरण और क्रेब्स साइकिल तक
जो है टोटल 38 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। हो जाता है क्रेब्स साइकिल। आगे अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ईटीएस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र उसके ऊपर स्टडी करेंगे। आपको ये जो क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ये ध्यान से इनको देखना है, स्टडी करना है। आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट आपको याद रखने होंगे, एंजाइम्स भी आपको याद रखने होंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा एंजाइम भाग ले रहा है। तो थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोसेस, बट याद करना पड़ेगा। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।